हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग जोन एंड फार्मिंग सिमुलेटर 22 के सर्वाइवल चैलेंज सीरीज के तीसरे गेम प्ले में आपका स्वागत है। एंड लास्ट गेम प्ले में हमने और कुछ पेड़ काटे थे और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब काम बढ़ गया। और मुझे लगता है यार कि यार ये पेड़ काट काट के अभी ज़्यादा काम नहीं बनने वाला, तो काफ़ी बोरिंग भी हो। मेरे को सच बताऊँ तो पर्सनली मेरे को ये काम करना भी नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट काम अभी जो मैं करूँगा वो है कि इन सब पेड़ को एक ही बार में ख़त्म करना। तो उसके लिए हम जो है वहाँ जाकर साइन पोस्ट जो दो लगे हुए हैं तो उनको ख़त्म करेंगे। तो पहले हम वही चलते हैं और उन साइन पोस्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए गाइस, पहले ये हम जो रोक वाला है इसको कट करते हैं। तो देखते हैं क्या सच में इसको काटने से रोक यानी पत्थर जो इस मैप में वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। एंड हो गया आई थिंक, ये तो कट हो गया। तो अब आप पेड़ वाला काटते हैं पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको काटने से परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। तो देखते हैं इसको काट के, देखते हैं कि सच में सारे रिमूव हो, आई थिंक हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट कार्रवाई पर लगेंगे और प्लोइंग वगैरह का काम शुरू करेंगे। तो देखते हैं। तो चलिए गाइस, होपफुली आई थिंक सारे पेड़ और सारे रॉक्स जो हैं वो भी गायब हो चुके होंगे। बिल्कुल यार, सारा सफाई हो चुकी है। अभी देखो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये छोटे छोटे मिट्टी के फाड़ से दिख रहे हैं। ऊंची नीची है, ज़्यादा फ्लैट नहीं है ये। मतलब ये मैप थोड़ा और फ्लैट होना चाहिए था। अगर कोई बाद में कम मेहनत करनी पड़ती है। खैर चलो करेंगे, लगेगा जो भी टाइम और पैसा लगेगा। तो चलिए, ये अपनी फैक्ट्री है वायमैस। तो चलते हैं हम वापस अपनी शॉप पर और वहाँ जाकर ऐसे ही चले जाते ट्रैक्टर से। तो अभी नेक्स्ट काम जो है कि क्योंकि पेड़ों का काम तो हो चुका है, तो ये जो ट्रेलर और ये सब कुछ है इनको हम वापस दे देते हैं। सिर्फ ट्रैक्टर को हम रखेंगे क्योंकि ट्रैक्टर का ही काम बचा है। एंड बाकी चीज़ों का काम तो अभी फिनिश हो चुका है, तो उनको हम सेल कर देते हैं। और सेल भी क्या यार, एक दो चीज़ें तो लीज पर ही हैं, तो उनको तो वैसे भी हमको वापस ही देना है, रिटर्न ही करना है। चलो कर देते हैं फटाफट से। अच्छा, ये तो पीछे वाला हो गया, ठीक है ये हो गया। तो अभी हम फ्रंट लोडर वगैरह भी कर देते हैं, चाहे ऐसे ही कर देते हैं यार। ये सारा कुछ FS22 में तो सारा कुछ एक साथ ही हो जाता है। चलो तो इसमें पहले इसको सेल कर देते हैं। चलो कुछ रुपये आ गए। अभी ये फ्रंट लोडर है इसको रिटर्न कर देते हैं। एंड ये वेट तो रहने देते हैं क्योंकि इसको तो जरूरत है हमको। एंड ये लोग फोक भी फ्रंट लोडर नहीं है तो इसका भी क्या करेंगे। चलो वेट तो अभी है, हमको चाहिए ही है, वेट का जरूरत तो है। तो ट्रैक्टर भी ट्रैक्टर लीज पर है। चलो इसको लेकर चलते हैं बाहर। और नेक्स्ट चीज़ जो हम लेंगे वो भी लीज पर ही लेनी पड़ेगी। तो सर्वाइवल चैलेंज में मज़ा तभी आता है अगर हम मतलब सब कुछ। अरे यार, ये मैडम कहाँ गई? कमाल है, कमाल ही हो गई यार। चलो अभी नौकरी से हटा दिया उनको, पता नहीं मेरे को क्या है। तो नेक्स्ट हमें प्लो लेना होगा हमको। तो ये मोड प्लो है जो, इसको ही हम लेंगे। इसको हम कलर कर लेते हैं फेंट का, ये वाला। और डिजाइन कलर में हम इसको कर लेते हैं डिजाइन कलर। चलो रहने ही देते हैं यार, पैसे ही बढ़ेंगे और क्या इससे। तो इसको लेते हैं लीज पर, 892 रुपये लीजिंग कॉस्ट है इसकी। तो चलते हैं हम अपने ट्रैक्टर में और इसको उठाते हैं। तो ऐसे ये 9 मीटर का भी हम कर सकते थे, लेकिन उतनी हमारे ट्रैक्टर की हॉर्स पावर नहीं है, तो इसको हम 6 मीटर का ही रखेंगे। और 6 मीटर के साथ होपफुली आई थिंक काम अपना बन जाएगा। एंड बाकी देखते हैं। हॉर्स पावर तो आई थिंक अभी भी अपने ट्रैक्टर की जो है इसके कैपेबल नहीं है। अपने ट्रैक्टर जो है उसकी उतनी हॉर्स पावर नहीं है कि इसके हम काम चल सके अपना। लेकिन फिर भी देखते हैं कितना को खींचता है, क्या करता है। अगर नहीं बात बनेगी तो एक ट्रिक है, इस प्लो के साथ एक ट्रिक भी की जा सकती है। तो हम वही ट्रिक कर लेंगे। तो वो ट्रिक का कोई खास ऐसा नहीं है, बस इसके पीछे से आप इसको डाल लो ना, तो ये पीछे की तरफ से भी काम करता है प्लो। और उसमें फिर कम खर्च वो लगता है, मतलब ट्रैक्टर की हॉर्स पावर कम लगती है, इस वजह से पीछे से जो है ये कम हॉर्स पावर वाला भी काम भी चल जाता है। तो अगर हम देखें तो कितनी हॉर्स पावर चाहिए इसको, तो इसको आस पास चाहिए 320। लेकिन 320 तो 6 मीटर वाले, मतलब 9 मीटर वाले को चाहिए ना हमको, हमने छोटा लिया है। तो इसको आस पास चाहिए होगी 260। तो अगर हम 9 मीटर का लेते हैं तो उसको 320 चाहिए होगी।
तो अभी तो हमने लिया है छोटे वाला, तो इनको 260 चाहिए थे अपने ट्रैक्टर के, तो इतने आसपास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अगर देखें तो इसकी आस पावर है 113, तो 113 में कहाँ बात बनने वाली है। तो ये कुछ पेड़ मैंने लगाए हैं, आप देख सकते हैं सामने, ये मैंने अपनी एक बाउंड्री तय की है अपने खेतों की, ताकि मैं पता चल सके, और एक खेत पेड़ इधर भी है, क्योंकि ऐसा है ना, फिर ज़्यादा मैं मतलब बाहर की वो नहीं करना चाहता। कई बार क्या होता है कि प्लो आप जो है, प्लो आपको थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप वो दूसरे साथ वाली जो लैंड आपकी नहीं है उसमें भी काम कर जाता है, तो फिर वो बाद में हर चीज़ नहीं चलती। अभी ये प्लो, यार ये 9 मीटर का लग रहा है मेरे को, आई थिंक मैंने गलती कर दी, ये 9 मीटर का ले बैठा हूँ मैं, तो फिर ये तो नहीं खींच पाएगा। चलो देखते हैं क्या करता है। अभी पहले हम अपने खेत से शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे से, कहाँ है अपना फिर, अभी तो यार बहुत पीछे तक बन जाएगा काम अपना, आई थिंक ज़्यादा पीछे भी नहीं करना चाहिए हमको, इतना को कर लेते हैं। थोड़ा सा देखो वही बात हुई ना, थोड़ा सा मैं अपने खेत से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं अपनी लैंड में रहना चाहूँगा, तो आई थिंक यहाँ से ठीक है। जा अभी इधर हो गया ज़्यादा, सीधा इसके बराबर नहीं आ रहा यार, ठीक है चलो अभी ठीक है, आई थिंक ठीक है अभी। तो अभी इसको करते हैं नीचे, तो अभी तो काम बनेगा नहीं, तो अभी लो क्रिएट फील्ड कर देते हैं और इसको सीधा चला देते हैं, एंड ठीक है यार, इतनी बुरा नहीं चल रहा है, ये ठीक चल रहा है। आई थिंक ये मोड है ऐसा ही कुछ सिस्टम इसका, और मोड अक्सर ही ऐसे होते हैं कि उसमें आपका जो है, और यार ये तो स्टोन भी आने लग गए, और स्टोन आने ही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज में बिल्कुल ही जो है रियलिस्टिक चलाने वाला हूँ, तो इसमें हर सेटिंग जो है ऐसी होगी कि रियलिस्टिक चलेगी, तो इसलिए स्टोन भी आएंगे और हर चीज़ हम चलाएंगे जो जो इस गेम में है, बस सीजन को छोड़कर। सीजन मैंने अभी नहीं रखे, लेकिन आगे चलकर मैं सीजन भी इस गेम प्ले में ले आऊँगा, फिलहाल जो है मैंने सीजन नहीं रखे हैं, तो उसका कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सीजन फिलहाल ना रखने का रीज़न बहुत सिंपल सा है कि शुरू शुरू में अगर आप सीजन ले आते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो फसलें हैं उसकी लिमिट कम हो जाती है, तो मतलब आपके पास कुछ कुल मिला के थोड़े से ही ऑप्शन बचते हैं, और जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर के हिसाब से अगर हम सीजन के देखते, तो उसमें कुछ एक ऐसी क्रॉप होती जो हम लगा पाते, तो इसलिए फिर मैंने सोचा यार हम रहने देते हैं, एंड इसका भी मुझे ध्यान रखना होगा कि हम अपनी लैंड में ही रहें और दूसरे लैंड में ना ही जाएं तो अच्छा होगा। तो मैं बात कर रहा था कि भी हमको सीजन मैंने इसीलिए नहीं रखा, आई थिंक काफ़ी बड़ी हो गई है लैंड, अभी यहाँ से इसको कट कर देते हैं, एंड बिल्कुल सही है, अभी ये सीधा जा रहा है ना, एक मिनट यहाँ से देखते हैं, चलो ठीक है, तो ठीक है साइडों में थोड़ा थोड़ा घास रह जाएगा, तो उसको फिर हम बाद में अगर एनिमल्स वगैरह की रखेंगे, तो फिर घास भी हमको चाहिए होता है, तो वो भी काम आ जाएगा अपने, थोड़ा सा आई थिंक टेढ़ा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं देखते हैं, थोड़ा टेढ़ा भी बन जाएगा तो कोई बात नहीं। तो मैं बात कर रहा सीजन की, तो इसीलिए मैंने सीजन शुरू में ऑफ रखा, आगे चल कर सीजन ऑन कर देंगे, तो उसमें फिर क्या होगा कि जो क्रॉप सीजन के हिसाब से लगानी होगी सिर्फ वही लगाएंगे, एंड इधर से भी हमको फील्ड का ध्यान रखना होगा, ठीक है अभी तो काफ़ी लंबा और बड़ा फील्ड बनेगा, और एक ही फील्ड में बनाना चाहता हूँ मैं, अलग अलग काम नहीं करना चाहता ज़्यादा, एंड यहाँ से आई थिंक हमें कट कर देना चाहिए, थोड़ा गोल गोल सा बन जाएगा, ठीक है, एंड इस तरफ से आई थिंक ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, क्योंकि तो वहाँ पर एक वो भी था, उसका भी ध्यान रखना होगा मुझे, चलो आई थिंक उसका अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी दूर है आई थिंक काफ़ी, तो फिलहाल ये जो स्टेज आ रही है इसमें कोई स्टेज दिख नहीं रही है अच्छे से, कौन सी स्टेज है ये, एंड प्लोइंग की ज़रूरत तो डेफिनेटली ही होगी इसको, अभी आने लग जाएगा कि प्लोइंग की ज़रूरत है ना, प्लोइंग ही नहीं, लाइम की, सॉरी लाइम की, प्लोइंग तो हम कर ही रहे हैं, तो प्लोइंग की ज़रूरत तो कहाँ से होगी, लेकिन लाइम का थोड़ी देर में मुझे लगता है लिख कर आने लग जाएगा ऑप्शन के नीड लाइम, जो कि आ रहा है ऑलरेडी। चलिए कोई बात नहीं, लाइम का भी हम करेंगे छिड़काव इसमें, एंड सब कुछ करेंगे हम, और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं स्टोन, मल्चर, नीड लाइम, नीड रोलिंग, फिलहाल रोलिंग की जरूरत नहीं दिखा रहा है, लेकिन रोलिंग भी आगे चलकर आई थिंक करनी पड़ सकती है,
क्योंकि अच्छी क्रॉप के लिए अच्छा सीड बेड हमको अगर चाहिए। यार यहाँ पर स्टोन नहीं आ रहे, सिर्फ उतनी कुछ जगह में स्टोन आए हैं, ये कुछ चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। मैंने तो स्टोन जो है ऑन रखे हुए हैं, एंड आई थिंक यहाँ से भी कट कर देना चाहिए। आई थिंक इधर से हमें यहाँ से कट कर देना चाहिए क्योंकि ये जो, अरे यार ज़्यादा ही हो गया कुछ, थोड़ा सा मैं इसको इधर पीछे से कर लेता हूँ। चलो ठीक है, ज़्यादा क्योंकि ये जो अपना बना हुआ है यहाँ पर, इसके बीच में मैं नहीं आना चाहता, इससे थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता हूँ। यहाँ पर आई थिंक लैंडस्केपिंग भी थोड़ी सी सही नहीं है। चलो जैसा भी है काम चल जाएगा अपना। एंड अच्छी बड़ी फील्ड बन जाएगी अपनी, बहुत सारी बड़ी, तो बढ़िया बात है। अच्छी फील्ड बनेगी तभी हमें अच्छा पैसा मिल पाएगा, क्योंकि शुरू शुरू में जैसा कि मैंने बताया कि सर्वाइवल चैलेंज में लीज पर हमें चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तो शुरू में वैसे भी हमको इतना बढ़िया हमारा काम चलने वाला है नहीं है, तो इसलिए अगर अच्छा होगा कि हम जो है शुरू में एक अच्छी बड़ी फील्ड बनाएं। हालांकि आगे चलकर ये फील्ड छोटी होने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर फिर जब मैं फार्म बिल्ड करूँगा और फिर और छोटी मोटी चीज़ें, शेल्टर वगैरह लगाऊँगा, शेड वगैरह, ऐसी चीज़ें लगेंगी ही। मतलब सिंपल सी बात है कि ये सब चीज़ें तो चाहिए ही होंगे ना, तो इसलिए अभी बेशक ये फील्ड थोड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन आगे चलकर ये फील्ड जो है छोटी होने वाली है, मुझे पता है। तो खैर अभी बड़ी बनाएंगे हम, तभी ही अच्छा हमारा जो है एक बन पाएगा खेत, और शुरू शुरू में हमको ज़्यादा प्रॉफिट तभी मिलेगा अगर एक बढ़िया खेत हम बनाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ यार, फटाफट से इसको कर देता हूँ प्लोइंग, एंड उसके बाद फिर मैं इसमें आगे बढ़ते हैं और लाइम वगैरह का छिड़काव जो है शुरू करेंगे। तो मैं फटाफट से इसका प्लोइंग का काम जो है वो फिनिश कर देता हूँ। To get out, I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything.
एंड होपफुली अपनी अभी सारी फील्ड जो है क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड काफ़ी बढ़िया और बड़ी सारी फील्ड अपनी बन गई है। एंड होपफुली इसमें जो क्रॉप हम लगाएंगे वो अच्छी और प्रॉफिटेबल होगी और हमको बहुत सारा पैसा उसमें मिल जाएगा, ताकि हम अपना फार्म वगैरह जो है बिल्ड कर सकें, अपना खुद का ट्रैक्टर वगैरह ले सकें, सब कुछ लीज पर ले लें। अगर तो यार बहुत लंबा काम चलने वाला है नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम पहुँचने वाले हैं शॉप पर, एंड नेक्स्ट अब हम जो करना होगा वो होगा रॉक पिकिंग, यानी स्टोन पिकर लेना होगा हमको। एंड अरे यार, कोई सेल में नहीं आई चीज़ अच्छी सी? नहीं यार, इतना वैसे पैसा भी नहीं अपने पास सेल के में कुछ चीज़ लेने का। एंड नेक्स्ट हमको लेना होगा एक स्टोन पिकर, एंड ये सबसे छोटे वाले ले लेते हैं, इसका किराया सबसे कम है। एंड उतनी देर में हम ये भी अपना जो हमने लिया है प्लो, इसको भी वापस कर देते हैं। एंड चलिए, तो अभी अपना काम जो रह गया वो है कि स्टोन पिकर को लेकर चलते हैं, और एंड फटाफट से उसमें से जो भी स्टोन्स अपने यहाँ आए हैं उनको उठाते हैं और अरे अपने फील्ड को करते हैं थोड़ा सा क्लियर, ताकि अपना बिल्कुल साफ़ सुथरा फील्ड हो। और उसके बाद फिर उसमें हम लाइम वगैरह का छिड़काव करना भी शुरू कर देंगे। एंड अभी ये कुलता पता नहीं किस तरफ कैसे है। चलो फील्ड पर चलते हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं कैसा इसका सिस्टम है, क्या होगा। एंड स्टोन अगर हम देखें तो ये अपना फील्ड है, एंड इसमें यहाँ पर ये स्टोन जो है अभी दिखेंगे। आओ यार, एक तो स्लोली बड़ा चलती है FS22, थोड़ा सेटअप आपका तगड़ा होना चाहिए। तो ये जो रेड रेड यहाँ दिख रहा है ये सारा स्टोन्स हैं, तो होपफुली हम जो इसके साथ इसको यूज़ करते हैं स्टोन जो है सारे अच्छे से रिमूव कर देंगे। तो ये जो रेड रेड एरिया सारा, ये भी सारा फिर ब्लू, मतलब ये लाइट ब्लू दिखने लगेगा, और फिर हमारा एक अच्छा सा जो है लाइम की स्प्रेडिंग शुरू करेंगे, और फिर अपना फर्टिलाइजर वगैरह करेंगे। तो अभी देखते हैं, वैसे ये स्टोन बिक भी जाते हैं, अभी पता नहीं इतने स्टोन अपने इसमें होंगे कि नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या अपने ये स्टोन जो है ये अपनी शॉप में बिकेंगे भी कि नहीं, क्योंकि जो दूसरे मैप FS22 में आए हैं उसमें तो उन्होंने स्पेशल एक जगह दे रखी है जहाँ पर स्टोन बिकते हैं, अभी इसका नहीं पता इसमें कहाँ पर स्टोन बिकते हैं। चलो देख लेंगे, जब स्टोन की बारी आएगी तो स्टोन को भी देख लेंगे कहाँ बिकते हैं कहाँ नहीं, लेकिन अभी तो स्टोन कलेक्ट करते हैं और देखते हैं यार कि कितने भी क्या स्टोन्स वगैरह हैं। तो इसको ओपन कैसे करना है पता नहीं। अच्छा, ऐसे हो गई, खुल गई। इसको लोवर किया एंड अभी इसको स्टार्ट कर दिया। अभी देखते हैं कि क्या ये ज़मीन से उठाना शुरू कर देगी। अरे वाह, शुरू तो कर दिया इसने, काफ़ी स्लोली स्लोली चलेगा काम ये। लेकिन इतने ज़्यादा स्टोन अपने फील्ड में थे नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा बड़े वाला नहीं लिया, और वैसे भी अपने पास इतना खर्चा और नहीं है, अभी पैसा नहीं है अपने पास ज़्यादा बड़े वाला लेने के लिए। तो 98 लीटर आ भी गया, चलो इसको चलने देते हैं, उतनी देर हम देख लेते हैं कि क्या कहीं पर स्टोन बिकते हैं। तो इसमें प्राइस लिस्ट में जाकर स्टोन 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 आ ही नहीं रहे स्टोन, तो एंड में जाकर आए हैं, एंड फार्म शॉप पर ना भैया तो बिक नहीं रहे। ये तो कोई बात नहीं, मैंने स्टोन बिकेंगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे स्टोन का। चलो क्या नहीं बिकेंगे तो वैसे ही कहीं पर रख देंगे, ये हम कुछ का कोई यूज़ तो है नहीं है ना। एक वैसे फैक्ट्री आई है मोड हब पर, एक मोड आया है उसमें एक फैक्ट्री है जिसमें आप अपने स्टोन को जो है यूज करते हुए लाइम बना सकते हैं, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 1000 लीटर से 4000 लीटर लाइम बन जाती है। लेकिन वो फैक्ट्री लगाने का पैसा ही तो नहीं है अपने पास क्या करेंगे उस फैक्ट्री का लगाकर, मतलब क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए हम अपना इसी में थोड़ा ध्यान देते हैं। तो चलो मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर करूँगा लाइम स्प्रेडिंग। तो मैं फटाफट से इसमें से सारे स्टोन जो है उठा लेता हूँ, फिर आपसे बात।
चलिए फ्रेंड्स, अपना रॉक पिकिंग का यानी स्टोन पिकिंग का तो काम तो हो चुका है, तो अभी हम मैं शॉप पे आ गया हूँ। तो नेक्स्ट हम जो है वो करेंगे हम लाइम स्प्रेडिंग। तो हम यहाँ से एक बढ़िया सा लाइम स्प्रेडर जो है वो लीज पर लेते हैं, एंड उसके बाद अपनी सारी फील्ड जो है उसके ऊपर लाइम वगैरह छिड़काव कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। और ये मैडम आ गई वापस, ये गायब हो जाती है वापस आ जाती है, कोई पता नहीं इसका। तो यहाँ पर हम चलते हैं फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग वाली ऑप्शन में, एंड इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन ये एक छोटा सा मोड है, इसमें इसका प्राइस कम है। मोड है ये बाय द वे, और आपको मोड पर मिल जाएगा, तो इसका नाम यही होगा शायद, ब्रेडल वगैरह ऐसा कुछ है। तो इसको हम ये कलर करके कॉन्फ़िगर, एंड 1 लाख, अच्छा सॉरी, 1,428 रुपये, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए होपफुली आगे होगा। अभी हमको इसके लिए लाइम भी लेना है, लेकिन मैं लाइम के पैलेट नहीं लूँगा, मैं लाइम जो है वहाँ से जो इस शॉप को बनाने वाले ने, मतलब शॉप ने इसको मैप को बनाने वाले ने जो हमको दिया है एक ऑप्शन, हम वहीं से लाइम जो है लेंगे, तो उसमें शायद सस्ती पड़ेगी, देखते हैं कितनी सस्ती पड़ती है। एंड यहाँ पर इसको करते हैं अटैच, एंड फटाफट से वहाँ जाकर और उसमें लाइम भरवा लेते हैं। तो सबसे पहले यार देखते हैं कि कितना को क्या खर्चा होगा इसका, कितने की महंगी पड़ेगी, सस्ती होगी आई थिंक, इतनी महंगी नहीं होगी, एंड देखते हैं। तो लाइम ही डालनी है हमको यार, ये तो बिल्कुल ही सस्ता पड़ गया है ना, ये तो $100 का भी नहीं बना, और 4,000 लीटर हमने भरवाया है इसमें। तो यार सच में यार ये तो बहुत, मतलब बहुत पैसे वाली चीज़ है ये तो। मतलब मुझे जहाँ तक याद है 350 का एक पैलेट आता है, बिग बैग मतलब आता है। अरे यार ये तो ये पीछे वजन हो गया, पता नहीं इसलिए ट्रैक्टर आगे से उठ गया है, क्या सिस्टम क्या है ये, वो समझ में नहीं आ रहा इतना, मतलब तो नहीं होना चाहिए था इसको। तो चलिए फटाफट से हम अपनी फील्ड पे चलते हैं, और वहाँ जाकर लाइम स्प्रेडिंग का काम जो है वो करते हैं शुरू। एंड चलिए आ गए हम यहाँ पे शॉप पर, शॉप पर नहीं अपनी खेत के पास। यार ये कट बड़ा मुझे परेशान करता है, मैं सोच रहा हूँ यार सीधा यहाँ से ना एक रास्ता बना दूँ। तो होपफुली आई थिंक मैं ऑफ द कैमरा जो है इस फील्ड को बाय करके, जो ये फील्ड है जिसके ऊपर, मतलब यार एक तो ये वेट इतना हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो मैं कह रहा था ऑफ द कैमरा मैं इस फील्ड, जो पीछे वाला फील्ड है जिसके ऊपर रास्ता है, उसको बाय करके, एंड उसमें जो है लैंडस्केपिंग वगैरह करके बढ़िया सा जो है उसमें एक रास्ता। अरे यार क्या हो रहा है ये ट्रैक्टर को, ये देखो क्या उठ रहा है, आगे से घूमता ही नहीं है, और इतना ज़्यादा घूम रहा है, मतलब कभी घूमता ही नहीं है और कभी बिल्कुल ही घूम कर इधर को उधर हो जाता है। यार ये तो बड़े पंगे वाला काम है, क्या किया जाए। चलो यार किसी न किसी तरह से काम तो चलाना है। एंड और ये देखो वेट निकालते ही देखो क्या हाल हो गया इसका, तो वेट के ढंग थोड़ा बहुत जो है वेट ने इसको संभाल कर रखा हुआ है। जैसे ही वेट, अगर हम थोड़ा और भारी वेट भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भारी वेट लेने से आगे की तरफ ये झुकाव हो जाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर का भी थोड़ा देखना पड़ता है आपको, इसकी रेंज तो यार बहुत ज़्यादा है, भी ज़्यादा वेस्ट तो नहीं होने लग जाएगा बाहर की तरफ, देखते हैं थोड़ा। एंड काफ़ी एरिया कवर करेगी, और ये लाइम भी यार धड़ाधड़ ख़त्म हो रही है, मुझे तो लगता है बहुत सारे चक्कर मुझे शॉप पे लगाने पड़ेंगे। एंड यार ये तो बड़ा वेस्ट हो रहा है, बल्ली तब थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, ज़्यादा भी करने से होता ना कई बार फिर छूटने लग जाती है, और छूटना तो फिर उसमें भी महंगा काम हो जाएगा, क्योंकि छूटने में तो फिर छोटी सी जगह में हमको इतना सारा लाइम फिर दोबारा डालना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर ठीक है, क्योंकि इतना को मतलब थोड़ा बहुत बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन एंड एक मिनट, आई थिंक हेल्पर वाला बटन मुझसे दब गया था, क्या हुआ था, ये रुक गया था हेल्पर, आई थिंक मेरे हाया कर बैठा था ये, मेरा जो मैंने कंट्रोल के रखा हुआ है ना इसमें थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तो आई थिंक इसमें भी अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। और ये तो देखो ख़त्म भी हो गया है, तो इस तरह से तो मुझे लगता है कि मुझे फटाफट से जाकर और अभी फिर से लाइन भर के लाना पड़ेगा। एंड आई थिंक टाइम लैप्स ही करना ठीक रहेगा, फटाफट से मैं टाइम लैप्स करके और इसको लाइम स्प्रेडिंग का काम कर देता हूँ, एंड उसके बाद फिर हम फर्टिलाइजर वगैरह करेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.
चलिए लाइम का स्प्रेडिंग का आई थिंक ऑलमोस्ट काम हो चुका है फिनिश। अबे यार ये हेल्पर वाला बटन फिर क्या पंगा है ये। कंट्रोल मैंने थोड़े से ऑन कर रखे हैं क्योंकि मैं देख रहा था कि जो अपना वो है ना सही से हो जाए, तो चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर एक मिनट, ये नहीं यार वही बात हुई ना, हेल्पर से करवाएं क्या? एक मिनट, हेल्पर कर देगा। ओ यार ये हेल्पर तो फर्टिलाइजर करने लग गया। फर्टिलाइजर नहीं करवाना यार, फर्टिलाइजर तो हम अपना भर लाएंगे, यहाँ पे बहुत महंगा पड़ेगा। एंड देखते हैं एक मिनट, और ये फील्ड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज हुई पड़ी अभी, ये इसका क्या कारण है मेरे को पता नहीं। आई थिंक ये जो ग्रास था इसमें हमने उसको बीच में हमने हार्वेस्ट की मतलब प्लो कर दिया, तो आई थिंक उस वजह से एक फर्टिलाइजर स्टेज आ गई है इसमें, पता नहीं अभी क्या कारण है। चलिए कोई बात नहीं, हमको दो फर्टिलाइजर डला डलाया मिल गया, तो अभी मैं ऐसा कर देता हूँ, रीसेट करता हूँ तो जल्दी पहुँच जाएंगे हम वहाँ पर अपने, तो रीसेट करके जाते हैं सीधा शॉप पर। एंड वहाँ से फिर फर्टिलाइजर भर के लाते हैं, देखते हैं कितने को फर्टिलाइजर कितने को सस्ता पड़ता है हमको, एंड फिर अपने फील्ड को कर देंगे हम फर्टिलाइज। आई थिंक फर्टिलाइजर का तो कम यूज होता है, तो एक ही बार में आई थिंक 4,000 लीटर के करीब हमको मिल जाएगा, तो वो बहुत होगा आई होप सो, उम्मीद पे। अरे यार ये वेट मैंने चेंज किया था इस दौरान में, लाइम स्प्रेडिंग के दौरान में मैंने लीज पर ले लिया था ये दूसरा वेट, तो ये भारी बहुत है, तो ये ट्रैक्टर को पीछे से उठा रहा है। करूँ तो क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब हल्का वेट लेता हूँ तो ट्रैक्टर पीछे से उठता है, भारी ले लेता हूँ तो ना भारी लेता हूँ तो पीछे से उठता है, और हल्का लूँ तो फिर आगे से उठने लग जाता है। चलिए सॉलिड फर्टिलाइजर, और इतना महंगा फर्टिलाइजर हो गया ये। लाइम स्प्रेडिंग तो यार इतनी सस्ती हो गई थी, और ये इतना महंगा पड़ा हमको। 1,000 लीटर के करीब आई थिंक मैंने लिया है, और उसका 4,000, आई थिंक ये तो बहुत महंगा है। एक मिनट में प्राइस देखता हूँ यार, फर्टिलाइजर का प्राइस क्या है इसमें सेलिंग में। सॉलिड फर्टिलाइजर, अरे ऊपर निकल गया सॉरी, तो ऊपर जाकर देखते हैं, 400 है, तो 400, 1,000 के डॉलर का 400, तो आई थिंक ये तो बहुत महंगा। फिर ये क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिस्टम इसका, 400 है तो फिर ये 4,000 क्यों कट गया मेरा? आओ यार आई थिंक, चलो जो भी है चलते हैं अभी, अभी तो कट ही गया, अभी कर भी क्या सकते हैं, कट गया भाई का। चलो यार चलते हैं अपने खेत में और करते हैं अपनी फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग, एंड एक बार तो पूरे फील्ड में कर देंगे, और फिर कुछ जगह पर डबल स्प्रेडिंग ऑलरेडी हो जाएगी, तो हमको उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। लेकिन कुछ फील्ड में ऐसा भी होगा कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बार हो पाएगी, तो इसलिए फिर वहाँ पर हमको क्रॉप प्लांटिंग के बाद दोबारा करनी पड़ेगी। हालांकि ऑप्शन ये भी होगा कि मैं सीडर ऐसा एक बाय करूँ जिसमें साथ के साथ मैं फर्टिलाइज कर सकूँ, लेकिन वो फिर ऑप्शन थोड़ा सा ऐसा है ना, उसमें फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी जगह पे रहता है कौन सी जगह पे करना है, तो बेहतर ऑप्शन यही होगा कि मैं जो है एक ऐसा
फर्टिलाइजर मतलब सीडर लूँगा जिसमें मतलब जरूरत ना पड़े। अगर चलो जरूरत तो होगी तो मैं उसमें सीड सीड ही यूज करूँगा, फर्टिलाइजर नहीं डालूँगा। आई थिंक फर्टिलाइजर का बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं उसको एक बार सारी प्लांटिंग करने के बाद दोबारा करूँ। एंड ये देखिए ट्रैक्टर के अगले टायर देखिए कितने दबे हुए हैं, यही देखने की मैं कोशिश कर रहा था। पढ़ा था मैंने एक दिन कि भाई रियलिस्टिक चीज़ और एक जो आई है जिसमें उसमें ये भी एक चीज़ है कि भाई वजन जब ज़्यादा होगा तो ट्रैक्टर के टायर नीचे की तरफ धंसेंगे, जो कि एक रियलिस्टिक चीज़ है। रियल में भी अगर आपके ट्रैक्टर हो, बाइक हो, कोई भी चीज़ हो, गाड़ी हो, तो अगर उसमें वेट ज़्यादा होगा तो फिर टायर जो है काफ़ी ज़्यादा दबकर ज़मीन के ऊपर चलते हैं। तो उसी तरह से हमको कुछ देखने को मिल रहा है। चलिए एंड फर्टिलाइजर करते हैं अभी, तो बढ़िया बात है, फर्टिलाइजर तो करना ही है तो एंड अच्छी इसकी रेंज है। एंड होपफुली फर्टिलाइजर जो है वो थोड़ा कम यूज होगा तो हमको ज़्यादा जो है बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो फर्टिलाइजर भी मैं ऐसा करता हूँ फटाफट कर देता हूँ, तो टाइम लेप्स ही एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी यार आप कमेंट करके बताना, अगर टाइम लेप्स आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर मैं कट कर दिया करूँगा बीच में से वीडियो को। तो एंड टाइम लेप्स मुझे पसंद आया एक्चुअली, मैं कर देता हूँ। ओके फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी सारी फर्टिलाइजिंग का काम फिनिश करके आ गए हैं मैडम जी के पास दोबारा। तो इनसे अभी हमको एक लीज पर लेना होगा सीडर। तो मैंने यार अभी अभी एक चीज़ देख की थी तो मुझे पता चला कि प्लांटर्स में हमको एक ऐसा प्लांटर मिल रहा है जो कि सोयाबीन वगैरह भी, सोयाबीन तो वैसे सारे प्लांटर ही कर देते हैं, लेकिन ये वाला जो प्लांटर है अपने मैंने लिया है अभी अभी, ये प्लांटर जो है इसमें की रेंज बहुत ज़्यादा है लेकिन प्राइस इसका बहुत ही नॉर्मल है। और प्लांटर का एक ही सिस्टम का पंगा होता है कि ये जो है डायरेक्ट ड्रिल नहीं करते, लगा मतलब अगर आपने खेत को प्लो या फिर कल्टीवेट नहीं किया है तो ये नहीं करते, इस वजह से थोड़ा सा पंगा होता है। लेकिन क्योंकि अपने अपने फील्ड को ऑलरेडी प्लो अभी भी किया है तो ये पंगा तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये देखो ट्रैक्टर का क्या हाल हो रहा है वेट की वजह से, तो ये सिस्टम का पंगा हमको आई थिंक होगा ही नहीं। तो हम जो है बढ़िया सा यहाँ पर कर लेते हैं प्लांटर, इसमें सीड भर लेते हैं। सीड मैं आई थिंक यहीं से ना भर लूँ, आई थिंक यहीं से ले लेते हैं सीड। मैं वहाँ से फिर वही बात ना, और महंगा पड़ेगा ये, ठीक है 800 का दो डब्बे ले लेते हैं, 1600 के दो पड़ेंगे हमको। और पैसा धड़ा धड़ यार, 700, 700 नहीं है ये, 7422 पर आ गया, पैसा भी बहुत कम हो रहा है। तो अभी तो हमको एक हार्वेस्टर तक जाना है, होपफुली हार्वेस्टर तक जाने में हमको कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। तो सर्वाइवल चैलेंज का मज़ा यही है कि जो है मतलब बिल्कुल ही एज जो है बिल्कुल ब्रिंक ऑफ द क्या कहते हैं उसे, आप जीते हो जैसे टक से मौत को हाथ लगा कर वापस आना होता है। तो मतलब थोड़ा अजीब सी बात कर रहे हैं मैं, मतलब ये है कि सर्वाइवल चैलेंज में बिल्कुल थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, उसी से आपको बिल्ड करके आगे बढ़ना होता है। तो होपफुली यार मतलब ये प्लांटर के बाद फर्टिलाइजर हमने, मैंने ऑलरेडी वहीं छोड़ा हुआ है तो फर्टिलाइजर तो हो जाएगा, उसके बाद तो बस वीड एक सिस्टम हो कर सकती है पंगा। तो अगर वीड भी बीच में आ गई तो फिर वीड की वजह से हमको फिर जो है लेना पड़ेगा एक स्प्रेयर या फिर हो सकता है वीडर, तो वो चीज़ थोड़ा सा पंगा अगर ना करे तो फिर हम, मैंने देखा है मैंने सुना भी है इस चीज़ के बारे में कि अगर हम प्लो कर दें खेत को तो उसके बाद वीड एक दो बार में नहीं होती है। तो हो सकता है यार सच्ची जैसे हो, तो अगर वीड नहीं हुई तो फिर तो अच्छी बात बन जाएगी, अपनी वीड वाला पंगा ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलो उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं क्या बनेगा। तो शुरू कर देंगे अपनी जाके प्लांटिंग। एंड सोयाबीन मैंने लगाने की सोची है इस फील्ड के ऊपर, तो सोयाबीन लगाने का कारण ये है कि मैंने प्राइस देख रहा था
तो प्राइस फ्लक्चुएशन जो एक चीज़ आई है कि सीजन में हुआ करती थी, FS19 में सीजन मोड में था ये चीज़ का कि क्रॉप के प्राइस जो हैं वो सीजन के हिसाब से आगे ऊपर नीचे होते थे। तो FS22 क्योंकि एक सीज़न इसमें ऑलरेडी है, तो इसमें सिस्टम ऐसा है कि अगर आप सीजन के हिसाब से मतलब ना भी चलो तो भी प्राइस जो है वो सीजन के हिसाब से ही ऊपर नीचे होते हैं। तो सोयाबीन का मैंने चेक किया था, तो जब तक अपनी वो रेडी टू हार्वेस्ट होगी ना तब तक उसका प्राइस जो है अच्छा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो हम, और यार ये ट्रैक्टर क्यों क्या कर रहा है मेरा, तो मैं कह रहा था सोयाबीन का कि जब सोयाबीन अपनी रेडी टू हार्वेस्ट होगी तो उस वक्त उसका प्राइस अच्छा होना चाहिए, मैंने चेक किया है। तो अगर मैं एक कोई और क्रॉप लगाता हूँ, मैं कनोला लगाने की सोच रहा था, तो कनोला का मैंने चेक किया था कि जब तक वो होगी, क्योंकि कम से कम 4 या 5 महीने लगेंगे कोई भी क्रॉप हो, सबसे कम समय में आई थिंक ओट्स जो हैं वो रेडी टू हार्वेस्ट होते हैं। एंड ओट्स का प्राइस मैंने देखा तो वो इतना अच्छा नहीं था, फिर कनोला का देखा तो वो भी नहीं था, एंड सोयाबीन का प्राइस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस की उम्मीद थी, उसमें लिखा हुआ था। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले ये छोटे की तरफ से थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, देखते हैं इसमें कैसा टेक्सचर आता है। प्लांटर मैंने अब तक ज़्यादा यूज नहीं किया। कमाल का टेक्सचर यार, ये तो बहुत ही कमाल का लग रहा है यार, ये टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। आई मीन देख सकते हैं आप यार, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग टेक्सचर है, वरना FS19 में तो सीडर और प्लांटर का टेक्सचर जो है एक ही जैसा हुआ करता था, जो कि आई थिंक इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता, क्योंकि अलग होना चाहिए, क्योंकि प्लांटर जो है वो ज़मीन में अंदर ज़्यादा धंसकर चलता है, अंदर ज़्यादा ज़मीन में बिल्कुल गहराई में जाकर बीज को बोता है, लेकिन जो सीडर होते हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, वो थोड़ा ऊपर ऊपर रहते हैं, तो इसलिए इसमें दिख रहा है जैसे थोड़ी खालियां सी बन रही हैं नीचे की तरफ, और इसका टेक्सचर टोटली अलग इसके बाहर हमको देखने को मिला है। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है, कुछ नया इसमें भी हमको देखने को मिला। और FS20 तो यार, FS19 काफ़ी नेक्स्ट लेवल की गेम है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो बिल्कुल चेंज और नए तरीके की आई हैं, तो ये टेक्सचर भी काफ़ी मेरे को पसंद आया। एंड फर्टिलाइज़र जैसा कि आप मैंने देख सकते हैं आपके, फर्टिलाइज़र मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि हमने फर्टिलाइज़र ऑलरेडी कर दिया है, तो हम अभी जो जगह रह जाएगी जहाँ पर सेकंड फर्टिलाइज़र हमको देना होगा, तो वो हम इस सीडिंग इसको मतलब प्लांटिंग के बाद में ही देंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जगह कहीं कहीं पर है, एंड यहाँ पर देखते हैं ग्रोइंग स्टेज का क्या ऑप्शन आ रहा है। अरे वाह क्या बात है। एंड उसके बाद अभी हम देखते हैं कि क्रॉप हमारी क्या देख रही है। हाँ बिल्कुल सोयाबीन का आ गया है, यहाँ पर सोयाबीन का वैसा ही कलर है जैसा FS19 में था, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है फर्टिलाइजर सेकंड गिरना, कोई बात नहीं, इसको फिर कर देंगे बाद में हम। एंड अभी तो हम अपनी प्लांटिंग के ऊपर ही ध्यान देते हैं, मज़ा आ रहा है यार ये प्लांटर को यूज कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। एंड आई थिंक FS20 जो मोबाइल गेम है उसमें भी ये प्लांटर अभी आ गया है, तो कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी फ्री कंटेंट अपडेट, उसमें आया था ये प्लांटर, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आया था। एंड ये वही है, इसमें कनोला भी आप लगा सकते हो, वरना प्लांटर ऐसे होते हैं उसमें कनोला नहीं होती, उसमें एक होता है कॉर्न, सनफ्लावर, शुगर बीट, कॉटन एंड सोयाबीन, ये यही क्रॉप्स होती हैं, लेकिन इस बार कनोला मुझे देखने को मिली, जो कि अच्छी चीज़ मुझे लगी, पसंद आया मुझे कि एक बढ़िया नई क्रॉप आई है। तो नई क्रॉप तो नहीं है, लेकिन मतलब इस प्लांटर के में वो ऑप्शन है जो FS19 में भी था, या प्लांटर अभी मेरे को नहीं पता उसमें ये ऑप्शन कनोला वाला था कि नहीं, अगर था तो फिर बढ़िया बात है। बस एक ही चीज़ मुझे इस प्लांटर की पसंद नहीं आ रही है, वो है इसमें अंदर सीड बहुत ही कम गया है, तो ये चीज़ ऐसे क्यों की उन्होंने मेरे को समझ में नहीं आया, अगर एक आधा ऑप्शन और दे रहे थे तो और बढ़िया बात था। जैसे मान लो इस मतलब अपना ये ट्रैक्टर के आगे की तरफ अटैचर दे रहे थे एक आधा, जिसमें हम और ज़्यादा सीट भर लेते, 1000 2000 लीटर वाला कोई होता अटैचर तो बढ़िया था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा रह गया 1 मिनट, तो ये सीट मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है, अभी सीड का थोड़ा, वैसे सीड कम ही यूज हो रहा है, इतना कोई हमें बार बार जाने की जरूरत भी नहीं है, अभी तक आधा भी नहीं हुआ यूज, एंड अपनी तो है अपने पास, तो वो जरूरत पड़ेगी तो हम ले आएंगे, ऐसा कोई पंगे वाली बात नहीं है। तो एंड अभी सोयाबीन का देखते हैं यार कितना को क्या पैसा बनता है। तो फर्स्ट टारगेट जो मेरा सोयाबीन हार्वेस्ट करने के बाद होगा वो ये, एक तो अपना खुद का एक ट्रैक्टर लें,
क्योंकि ट्रैक्टर ही सबसे ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो लगातार यूज होने होता है। तो होपफुली हमें ट्रैक्टर मिल जाएगा, तो मैं अभी ऐसा करता हूँ यार, कर देता हूँ इसको सारा प्लांटिंग। तो आई थिंक आज का गेम प्ले म्यूजिक साइन कर देंगे। तो कैसा लगा आपको गेम प्ले? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नए गेम प्ले के साथ बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। But you're too far away, you're too far away.
I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed.